तो एसएमपी ज्वाइन कर रहे हैं आज हम। एक एसएमपी है लाइफ स्टील, तो ये हम ज्वाइन कर चुके हैं। ये क्या है? ओ भाई, ये कौन है? कैसे रेडी फॉर वैन? व्हाट? वही नहीं, ये नहीं भाई। एक हाथ लास्ट लास्ट, वैन मत करना प्लीज, वैन मत करना, वैन मत करना भाई। लास्ट हाथ है। लिखो भाई, कुछ लिख ही नहीं रही, कुछ लिख ही नहीं रहे। गाइस क्या हो गया भाई? लास्ट हाथ है, वैन मत करना मुझे भाई। भाई अरे यार, क्यों क्यों मार रहे हो? क्यों क्यों? हेलो गाइस, व्हाट? ये कौन है? ओए सेल कर दिया इसने। भागो यार। ओए दोस्त, मैं हाथ लगा लिए। कौन है तो दोस्त? ये कौन था? मुझे पहचाने वाले कौन है? तो गाइस हम भाग जाते हैं वहां से, क्योंकि पता नहीं कौन लोग थे, वो मेरे पीछे पड़े थे। तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो वो मुझे पता नहीं कौन था मुझे बचाने वाला। तो मैं जाता हूँ उसके पास और पूछता हूँ, तुम हो कौन? हम मुश्किल से बचे हैं यहाँ पे आके, ये बीस। फिर मैं जाता हूँ, मैं पूछता हूँ इससे, तुमने मुझे बचाया क्यों? तो ये बोलते हैं, थोड़ा अभी थोड़ा नीचे आओ। देखो लिखा है इसने कि अभी रुको, अभी नीचे आओ, पहले इधर आओ। तो मैं भी चलता हूँ, ठीक है? मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, चलो चलते हैं वहाँ पे। तो इसने मुझे बताया कि ये स्टारबर्ग की सबसे दैदलियस्ट टीम है। तो इस स्टारबर्ग की दैदलियस्ट टीम है सबसे ज़्यादा। इसे न्यू प्लेयर को, हर न्यू प्लेयर को मारती है। इसने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि इसका दोस्त था एक, उसको इस टीम ने बैन कर दिया और इसको रिवेंज लेना है। तो इसने मुझे बचाया उनसे रिवेंज लेने के लिए। और ये बहुत ख़तरनाक टीम है, इलीगल टीम है। एक बात ये है, पता नहीं इलीगल सामान रहता है इन पे। तो आप इसकी बात सुनिए। और इसने ये बताया कि इसे एक चीज़ पता है कि इनका सीक्रेट बेस के बारे में। ये बताओ, चले वहाँ पे? कोई मुश्किल क्या है मुझे? दो बॉडीगार्ड रहते हैं वहाँ पर। हाँ दो बॉडीगार्ड रहते हैं 24/7। तो भाई कोई बात नहीं, वो ट्राई करके तो देखते हैं, एक बार ट्राई करके चलते हैं, वो चलते हैं, ठीक है? एक बार कोशिश करते हैं, वरना भाग जाएंगे। ये भाई क्या हो गया? चलो बस आ गया। चल तो रहे हैं भाई, चलो बस आ गया, देख ही रहे हैं भाई, चलते चलते भाई। ओ भाई ये क्या, ये क्या, ये क्या? ओ भाई दो बंदे हैं वहाँ पे, आराम से। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, देखते हैं अभी। रुक पहले दूसरे वाले को मैं संभालता हूँ, मैं ग्रीन वाले को संभालता हूँ, तुम उसे देखो। तो गाइस वो भाग चुके हैं वो लोग, पता नहीं कहाँ भाग गए। अब हम देखते हैं सर बंकर में क्या है। तो अंदर चलते हैं, चलो जरा सा तो चलते हैं हम अंदर, देखते हैं भाई कुछ मिले तो। चेस्ट में क्या, चेस्ट में क्या है देखते हैं यहाँ पे। वो भाई ये क्या है? ड्रैगन किलर न्यू हेल फॉर गेमिंग, ये कौन है? ओ भाई भाई लगता है लड़ना पड़ेगा इनसे, लगते हैं। ओ नो भाई वे शुरू हो गए।
भाई भाग, 20 भाग 20। तो 20 भाई हमें बहुत खतरा है, अब देखो हम बिल्कुल मरते बचे हैं, क्या करें फिर इसमें हम, बताइए भाई। मेरे पे एक प्लान है, मेरे पे एक प्लान है कि हम इनके सामने जाके सरेंडर करें। बोलो, सरेंडर कर सकते हैं उनके पास जाके, मैं सरेंडर करूँगा, आप पीछे से जाके आर्मर ले लेना, मैं उनके पास जाके सरेंडर करूँगा। कोई बात नहीं, बस ट्राई करते हैं, मैं जाऊँगा सरेंडर करने के लिए उनके पास, देखते हैं। ओके ठीक है, मैं ऐसे प्लान बनाते हैं, तुम जाना पीछे से, मैं उनके समझाऊँगा सरेंडर करने की बात करूँगा, उनके अपने बातों में फंसलाऊँगा, उसके बाद तुम उनके आर्मर लेकर उस पर हमला कर देना बस। चलिए एक बार चलते हैं, आ जाओ। तो गाइस हमारा मेन प्लान था कि मैं सरेंडर करने जाऊंगा, 20 पीछे से सामान चुरा के उन्हें मार देगा, तो मैं नकली सरेंडर करूंगा, तो हम चलते हैं उनके पास सरेंडर करने। आ जाइए बाहर, मैंने अपना आर्मर भी उतार के रखा है, आ जाइए थोड़ी बात कर लीजिए, मैं आपको पक्का सरेंडर कर रहा हूँ, मैं आपको बितरे नहीं करूँगा। नाउ यू आर कम, प्लीज़ आ जाइए। मैं पक्का भाई बितरे नहीं करूँगा आपको, मैं आपके सामने सरेंडर करने मैं बस ये चाहता हूँ कि बस आप तुम हमें और उनको मेरे दोस्त को बैन मत करो, प्लीज़ इस SMP में हमें मत मारो, आपको प्लीज़ अब मेरा ये सुझाव करेंगे एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, बताइए कर देंगे तो? नो भाई, प्लीज़ प्लीज़ हम नहीं करेंगे कुछ, बस हम मुझे मत मारना, पक्का भाई हम कुछ नहीं करेंगे। बीस्ट कम, साइड में आजा बीस्ट। हाँ नाउ यू वॉच टू, क्या हो गया भाई तुम, कोई नहीं है, कोई नहीं है तुम्हारे पास, और हमारे पास लीगल आर्मर है, देख सकते हो तुम्हें हम कभी भी मार सकते हैं, तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं है भाई। ये कौन है, ये कौन है, बहुत इसे क्या किया तूने, बहुत क्या किया तूने, इसे क्या किया, बैन हो गए क्या, ये क्या किया तूने, ये क्या हुआ, ये है कौन भाई, ये कौन था ये भाई, बैन कर दे, भागना पड़ेगा मुझे जल्दी से, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, जल्दी भागो भाई, भाई ये गलत सीन हो गया। आप सोच रहे होंगे ये क्या हुआ, ये हुआ था कि इसका दोस्त ओनर था, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, इसने मेरे दोस्त को बैन कर दिया, फिर मैं गुस्से में वापस उसके पास ही चले जाता हूँ, मुझे पता था वो मुझे ही बैन कर सकता, तब भी मैं उसके पास वापस चला जाता हूँ। अब मैं, तुमने मेरे दोस्त को बैन कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नाउ यू वॉट टू डू, हाँ क्या कर लोगे, उस ओनर को बुलाओगे, ओनर आ गया, कुछ बीस्ट कम देख रहे हो कैसे, ओनर कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा, करके देख लो, वॉच अब तुम्हारी डेथ, ये खत्म, ओनर भी खत्म, ये बात अब इस SMP को पूरी तरह से अपने कब्जे में। आप सोच रहे हो कि बीस्ट अनमैन कैसे हुआ, मेरे पे कोई लीगल ट्राइडेंट और आर्मर कैसे है, तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पे एक लीगल दोस्त था, तो मैंने उससे ओनर की आईडी हैक कराई और ये किया, देखिए आप। तो गाइस हमने इलीगल दोस्त के हिसाब अपने मदद से अपने इसकी आईडी हैक कर ली, देख सकते हो सचिन है इसका, देख सकते हो ना, देख सकते हो सचिन भाई इसकी आईडी हैक कर दी, अब इसको मैं दियो मार देता हूँ और अपने 20 फाइल को रिवाइव कर देता हूँ। फिर मैंने ओनर को दियो मार दिया और अपने 20 को दोस्त को अनबैन कर दिया था, उसके बाद मैंने उससे अपना इलीगल ट्राइडेंट और आर्मर लिया, उसके बाद मेरा प्लान था कि उसके पास जाके फिर मैंने इनको मार दिया, ओनर पे ऐसे नो एक्सेस ही नहीं था, वाह। तो फिर मैं मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय।